हर्ष तुम्हें मैसेज कर दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है सो दैट दे कैन ज्वाइन। वेरी गुड, वेलकम वेलकम वड़कम। चलिए 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 फटाक से ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, सब ज्वाइन हो जाएंगे है ना। और अगर जो मैथ्स वाले हैं वो मैथ्स पे भी मैसेज कर दीजिए सो दैट वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। नाइस, लाइक कर दो यार, ऐसे करते जैसे कि पैसे लग रहे हो लाइक करने में। फटाक से लाइक करो, बी फास्ट, पढ़ाऊंगा नहीं तो लाइक करो। हाँ हाँ गुड, डू फास्ट, हाँ लाइक लाइक, वेरी गुड। आज फिर वही, आज खत्म कर देंगे हम इस चैप्टर को। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव लेफ्ट विद दैट इज सेकेंड फेज है ये फॉर्मेशन वर्ड इक्वेशन का। लास्ट टाइम हम फिर लाइव आए थे इक्वेशंस पे और हमने देखा था काफी अच्छे मैनर में इक्वेशंस को। और सब बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ गिव योर अटेंडेंस प्लीज, हेलो वेरी गुड। स्वागत है आप सभी का। एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो फिर स्टार्ट करते हैं अपन लोग है ना। रीजन इसमें जूमिंग नहीं होती यार। वेरी गुड, सलाम भैया मनीषा प्रबल हेतल, कर दिया दिया, वेरी गुड दिया बोल रही, कर दिया गुड। ठीक है शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्र किया ठीक है कि आपने मैसेज कर दिया। दिव्यांशी तनु ठीक, मनीषा प्रबल सब आ गए तो कीजिए सब स्टार्ट। हु इज दिस, इट्स सलोनी कावत साहब इज बैक। लाइक कर दो लाइक कर दो, वेरी गुड। ये हिंदी गेमर कौन है यार, हु इज दिस हिंदी गेमर, ग्रेट। चलो कोई तो है मेरा जो मेरा काम कर रहा है बखूबी। चलिए सो स्टार्टिंग विथ जो आज हम देखेंगे चैप्टर को खत्म कर देंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो भी हुआ था यूट्यूब पे वहां पे मैंने फोकस किया था फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना। वहां पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी बेटा शुभम, बस नो कमेंट्स प्लीज, ना फोकस हियर, आप कमेंट्स वमेंट्स मत करिएगा आप। तो मैंने आपको बताया था दैट हाउ टू फॉर्म द इक्वेशंस, वहाँ पे कुछ टाइप्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एक तो हमने देखा एज से रिलेटेड, आता है आपको अच्छे से बहुत, एज से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। फिर हमने एक टाइप देखा था एज को छोड़ के देखा जाए तो न्यूमरेटर वाला था, एक सम वाला था, एक एंगल वाला था, और आज जो हम देखेंगे दैट इज डिस्टेंस। ओके तो जो वर्ड प्रॉब्लम होगी वो डिस्टेंस से होगी। अब जब कभी भी डिस्टेंस से वर्ड प्रॉब्लम होती है ना बेटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, यहाँ से वर्ड्स प्रॉब्लम आपको मिलेंगी और सॉल्यूशंस आपको अच्छे से मिलने वाले हैं एग्जाम में। सो ध्यान रखिएगा, देखिए फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, सबसे पहले तो अगर आप स्पीड का कर रहे हैं जैसे मान लो भाई एक कार है मूव कर रही है इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी।
तो स्पीड को आप मान लो एक्स। जब कभी भी बात स्पीड और डिस्टेंस की होती है तो आपको पता होगा दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंस है वो किसकी है, वो है यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूले की, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बस, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा इशू है नहीं उसमें। आपको क्या दे देगा, आपको दे देगा सपोज टू बी, मैंने बोला अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो टाइम कितना हो गया 2, टाइम कितना हो गया 2, डिस्टेंस कितनी होगी 40, तो इट्स 40 अपॉन 2। ऐसे ही करके हमें फॉर्मेशन करना है इक्वेशन का। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर, मतलब सीबीएसई के बहुत ही ज्यादा कह सकते हो कि पसंदीदा क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा पसंद करती है सीबीएसई इसको, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ रितु कैन ड्रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर कितने चलती है वो 2 आवर्स में, एंड अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डाउनस्ट्रीम चलती है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर चलती है 2 आवर्स में, फाइंड हर द स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो सबसे पहले तो जो चीज दे रखी है उसको लेट द स्पीड ऑफ, देखिए लेट द स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर, लेट स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर बी एक्स, ठीक, रोविंग की स्पीड आपने कितनी मान ली भाई, एक्स मान ली, ओके, एंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट हम तो लहर की बात कर रहे हैं, करंट भी वाई, ये तो जो पूछा था वो। अब यहां से सीखना क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिए दो केस, सबसे पहला केस आपने देखा होगा बड़ी बड़ी वेव्स निकलती हैं समुद्र में, ये बड़ी बड़ी वेव्स हैं। तो फर्स्ट केस देखो, ये जो बोट है वो कुछ ऐसी है और मूव कहाँ कर रही है, ऊपर की तरफ, मूव कहाँ कर रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर मतलब अपस्ट्रीम, ऊपर मतलब अपस्ट्रीम। अब मुझे खुद बताओ लहर भी यूँ ये अपोजिट मूव कर रही है, स्पीड ज़्यादा होगी कम होगी, कमेंट करिए, ज़्यादा होगी कम होगी स्पीड, कमेंट फास्ट, अपोजिट जा रही है अपोजिट। इमेजिन करो कि आप एक चढ़ाई पे चढ़ रहे हो, स्पीड तेज होगी या स्लो होगी, ऑब्वियस है स्लो होगी, ठीक स्लो होगी। तो इसकी जो भी रोविंग की स्पीड होगी वो जस्ट नेगेटिव जा रही है, वेरी गुड कम होगी, ये फर्स्ट केस है, ठीक। सेकंड केस देखो, अब यही बोट ऐसे जा रही है, अब बताओ इस केस में स्पीड क्या होगी, इस केस में स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, बोट की स्पीड तो बढ़ेगी ना, ठीक है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, जो टोटल स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, इधर देखो अपस्ट्रीम में क्या हो रहा है, अप मतलब दिस वन, अपस्ट्रीम में हो रहा है ये ऊपर जा रहा है मतलब नेगेटिव, तो अपस्ट्रीम में हम करते हैं माइनस, अपस्ट्रीम में हम क्या करते हैं माइनस। अच्छा इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए साइड में, ड्रॉ इट फास्ट, अपस्ट्रीम हम क्या करते हैं माइनस, वेरी गुड। अब देखो एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, x plus y, भाई डाउन में ज्यादा होगी, ठीक है, इट्स अ स्पीड, आई एम राइटिंग हियर दिस स्पीड। अब स्पीड क्यों बोल रहा हूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रिमेंबर दिस, 7th 8th में पढ़ लिया था आपने इस फॉर्मूले को, सो रिमेंबर दिस पार्ट, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ व्हाट यू हैव गिवन, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डाउन स्ट्रीम रितु इज मूविंग, देखिए रितु can row
20 किलोमीटर किसमें इन 2 आवर्स किसमें कर रही है डाउन स्ट्रीम में मूव कर रही है। तो देखिए अगर ये डाउन स्ट्रीम में मूव कर रही है, कौन मूव कर रहा है ऋतु, तो हम किसकी कंडीशन लगाएंगे, स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम के लिए x+1। ठीक, ऋतु कैन रो 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम, देयरफॉर कंडीशन क्या बन गई, देखो डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, x plus y। अच्छा डिस्टेंस कितना बताया इसने 20 और टाइम कितना है, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इक्वेशन क्या बन गई x+y=2, इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड केस देखिए, अब सेकेंड केस में क्या कह रहा है ये, अच्छा सॉरी इट्स टाइम, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है ये, सेकेंड केस में बोल रहा है कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स इफ शी रोज इन अप स्ट्रीम। अभी किस में ट्रेवल करती है, अप स्ट्रीम में करती है। अब अप स्ट्रीम में तो वापस स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस कितनी दे दी भैया ने, भैया जी ने डिस्टेंस दिया आपको कितनी 4 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती बेटा देखो x-y, इट्स 2, इट्स x-y=2। नाउ यू हैव दिस टू इक्वेशंस, फाइंड आउट, निकालिए फटाफट, फिर इक्वल करवाता हूँ और फिर वापिस समझाऊंगा, करिए फटाफट। तो दिस इज सिंपल केस ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना कुछ नहीं, यू हैव टू जस्ट नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। इतना ध्यान रखना, अप का मतलब उल्टा है नेगेटिव, तो देखो अप में हमने क्या कर दिया नेगेटिव, डाउन का मतलब उल्टा, डाउन का मतलब नीचे होता है तो ऊपर कर दो मतलब प्लस, तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट है ना। x=6 y=4, टाइम टू क्रेजी गेमिंग साइको आरकेन, नाम बहुत अच्छे अच्छे रखते हो यार आप सब, वेरी गुड, इट्स नथिंग। x=6 y=4 वेरीफाई हो रहा है, हो रहा है 6 और 4 आ गया टेन, देखो 6 और 4 10 आ रहा है। मोनिका वेरी गुड, कुंजल गर्ग x=6 y=4, इट्स ओके। ठीक है ना, नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार फिर सुनो, देखो एक बोट है, एक बोट है जो अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, अप स्ट्रीम में ट्रैवल करती है कितना डिस्टेंस, ये 4, कितने टाइम में 2, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। वो स्पीड कितनी है अपने पास, देखो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम x-, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम जस्ट उल्टा, ध्यान रखना अप स्ट्रीम में स्पीड बोट की कम हो जाएगी क्योंकि लहर अपोजिट है, बोट यू मूव कर रही है चढ़ना है उसको, अब सेकंड वाले केस में बोट नीचे मूव कर रही है तो स्पीड फास्ट, तो ये चीज है। ठीक है एक क्वेश्चन लिखिए और, अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये चीज तो भाई सही है। ठीक, अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, कितने आवर्स में 10 आवर्स, इन 10 आवर्स, इन 13 आवर्स, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द
स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट बोट इन स्टिल वाटर. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट बोट इन स्टिल वाटर. नाउ सी, लेट द स्पीड ऑफ बोट. क्या बोला है उसने, क्या निकालना है सबसे पहले? लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख लो इसकी जगह. चलो शुरू से ही कर लेते हैं, नो इश्यू. देखना और समझना, वापिस से चीजें रिपीट करूंगा मैं ताकि चीजें समझ में आ जाए. फिर इसके बाद तो शहंशाह बन जाओगे, टेंशन मत लो, टेंशन नको करो यार. देखिए क्या निकालना है अपन को, जो निकालना वो लेट करते हैं. सीधी सी बात, यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. तो लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी एक्स. नाउ क्या बोलता है फिर ये, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी वाई. अच्छा इतनी कहानी समझ में, ठीक. अच्छा मेरी स्किन का देखिए, तो स्टिल वाटर भी वाई. अच्छा स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी बेटा, जल्दी बोलो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी. जस्ट अपोजिट अपे तो उल्टा, एक्स माइनस वाई एंड स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट बोट इन डाउनस्ट्रीम जस्ट उल्टा, इट्स एक्स प्लस वाई. इतनी कहानी समझ आ गई. अब ये क्या बोलता है, हियर वी हैव द इम्पॉर्टेंट थिंग. ये बोलता है कि जब एक बोट है जो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में चलती है, सुनना सुनना मेरी बात, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम में चली और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में चली, तो दोनों का वक्त लगता है थोड़ा. केस वन मैं बता रहा हूँ, यू डोंट नीड टू राइट इट. केस वन वो क्या बोल रहा है, बोट अपस्ट्रीम चली प्लस बोट डाउनस्ट्रीम चली, इसको लगते हैं कितने घंटे, इसको लगते हैं टोटल 10 घंटे. टाइम के रेस्पेक्ट में बना रहा है इक्वेशन. तो देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. पिछले वाले क्वेश्चन में स्पीड रेस्पेक्ट में बनाई थी, अब टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ देखो टाइम दिया हुआ है ना, और वहां तो क्वेश्चन था सीधा सीधा, तो कोई इशू नहीं था. अच्छा आप स्ट्रीम है ना, ये क्या है स्पीड है. स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट हम किसके रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस कितनी है अपस्ट्रीम में, कितना चल रहा है वो, अपस्ट्रीम में चलता है 30, और स्पीड कितनी है d अपॉन s. स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई प्लस, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस वाई. कितना चलता है डाउनस्ट्रीम में, 44. टोटल टाइम कितना लेता है, टाइम. इक्वेशन वन. नाउ केस टू, केस टू वापिस से सेम ऐसा ही कुछ है. अब क्या लगता है, वो बोल रहा है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 55 डिस्टेंस, टाइम कितना लगेगा अप स्ट्रीम में, देखो स्पीड कितनी है ये, टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस. फिर चलता है ये 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम हो जाएगा ये प्लस, तो इट्स एक्स प्लस. सॉल्व करना सिखाया है, सिखाया है सॉल्व करना भैया. योर ब्यूटी इज नॉट क्लियर, सबके साथ हो रहा है क्या, वेट वेट, इट मे बी द नेटवर्क इशू. रुकी रुकी वेट वेट, ये स्पीड तो अच्छी आ रही है. ओके 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 वेट वेट,
जैसे ठीक हो तो मुझे बता देना सो दैट वी कैन कंटिन्यू। चलो इक्वेशन आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ जब तक तो लिखो। इक्वेशन क्या बनी है आपकी, डोंट वेस्ट टाइम, सॉल्व करिए आप इसको। इक्वेशन जो बनी है दैट इज 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस, इट्स 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। 30 अपॉन एक्स माइनस वाई हो गई ठीक। तो पहली इक्वेशन क्या बनी, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन ये है, किससे सॉल्व करोगे, रिड्यूसिंग से करो सॉल्व फटाफट करो। नाउ इट इज क्लियर, अब सही है ठीक है। आज का मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने भी फोन लिया हुआ है, मैं देख रहा हूँ फोन से कैसी आती क्वालिटी, इसलिए प्लीज डोंट कमेंट, सॉल्व करिए इसको। अब सही है, हाँ सही है, 480 में तो बहुत ही शानदार आ रही है। ठीक है करिए सॉल्व करिए। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लोगे, ए, उसको मान लोगे बी और सॉल्व करो। हमें तो ब्लू कॉमन निकाल लेना तो अच्छा रहेगा। चलिए कितना है जल्दी बताओ, बी फास्ट, जिस जो कर लेगा उसको मैं चॉकलेट दूंगा व्हाट्सएप वाली, पता ना तुम्हें, स्क्रीन को चाट लेना अपनी। एक्स एट वाई थ्री, सॉल्व कर रहा हूं, आंसर तो गलत है, एक्स एट आ रहा है। ओके सही है, एक्स एट तो सही है, ओ वाई थ्री सही है, एक्स एट वाई थ्री एट आ गया, वाई थ्री आ गया। देखिए सबसे पहले तो इसको अपन मान लेंगे, एक्स माइनस ए को क्या मान लेंगे आप, अच्छा पहले ये देखो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी मान ली आपने एक्स, स्पीड ऑफ बोट कितनी मान ली वाटर में वाई। आप स्ट्रीम ट्रैवल करेगा तो भाई माइनस करोगे, माइनस क्यों करोगे क्योंकि अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगी, डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करेगा तो प्लस करोगे क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ेगी। आप देखो अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम दोनों में टाइम कितना लगता है, ये क्या है स्पीड और ये टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम और ये टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू 10 आवर्स। ठीक है, टाइम टेकन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 4। ठीक समझ में आया, नाउ सेम क्वेश्चन 40 के लिए, आप स्ट्रीम है तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज डाउन स्ट्रीम। तो सॉल्व किया, अब देखिए
इधर देखिएगा, मैं ऐसे कुछ को उतना क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। वन अपॉन, देखिए इसको मान लोगे x माइनस ए, वन अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या मान लोगे आप, ए, तो इस 30 है प्लस 44 बी इक्वल्स टू 10, ठीक, इक्वेशन वन। ये बन गया 40 ए प्लस 55 बी इक्वल्स टू 30, इक्वल्स टू 30। सॉल्व कर लीजिए आप आराम से इसको। अब किससे सॉल्व करते हैं आपकी मर्जी है, एलिमिनेशन से करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। मैं तो बोलूँ ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निपटा निकाल लो पहले और सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और मैं तो बोलूँ यहाँ पे भी 5 कॉमन निकाल के डिवाइड में भेज दो, तो इजीली हो जाएगा वो सॉल्व, ठीक है। ऊपर 2 कॉमन निकाल लो और नीचे 5 कॉमन निकाल लो, वहाँ भेज दो, तो सॉल्व इजीली होगा वो। चलिए, इतनी कहानी समझ में आ गई थी। नाउ सी अगेन, एज वाले में भी मैंने सुना कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, बट उससे पहले एक है, देखिए एक सिर्फ आपकी पूरी बुक में एक क्वेश्चन है वर्क का, अब सुनना है प्रैक्टिकली सुनना और चीजों को समझना। अगर मान लो मैं वर्क एक्स करता हूं, मैं वर्क एक्स करता हूं, तो एक दिन कितना वर्क करूंगा? अगर 100 एप्पल की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, क्या करोगे? ठीक है, 100 एप्पल की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो एक एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी? ये चलो 20 एप्पल्स की कॉस्ट 100 है, तो एक की कितनी होगी, 100/20। वेरी गुड, 100/20 होगी। आपने क्या किया, डिवाइड। जब हम एक का पार्ट करते हैं ना, तो बेटा हम डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी है यार। अब यहाँ पे करना क्या होता है, देखो और समझो। मान लो मैंने एक दिन में एक्स काम है, मान लो मैंने एक्स काम किया, तो एक दिन में कितना काम करूंगा, 1/x। दो दिन में कितना करूंगा, 2/x। तीन दिन में कितना करूंगा, 3/x। इतनी बात समझ में आ गई, टोटल डिवाइड 35। देखिए क्या है, 2 women and 5 men कैन फिनिश वर्क इन 4 days। एक एम्ब्रॉयडरी वर्क चल रहा है, 2 औरतें 5 आदमी, तो लेट द वर्क डन बाय बी मैन, लेट वर्क डन बाय वुमैन बी एक्स एंड मैन बी वाई। मैन बी वाई, वर्क डन बाय विद मैन, वुमेन हमने क्या ले लिया एक्स और मैन ले लिया वाई। अब समझो ध्यान से, देन वर्क डन इन 1 day कितना हो जाएगा, इट्स 1/x। और यहां पे देन वर्क डन इन 1 day 1/y। इतनी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो हमने देखा कि वर्क डन बाय दी वुमेन भी एक्स, एक्स ले लिया अपन ने उसको, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। वाई एक दिन में कितना करेगा, 1/y। कभी भी ध्यान रखना बेटा, वर्क डन में क्या होता है, रेसिप्रोकल वाला फंडा चलता है। अभी आपने देखा, आपने जस्ट रेसिप्रोकल किया है, तो वो क्या बोल रहा है, जब एक दिन में 1/x हो रहा है, तो 2 आदमी मिलकर कितना काम करेंगे, सोचो। 2 आदमी को आपने क्या माना है, 1/y, तो 2 आदमी मिलेंगे 2 × 1/y। अच्छा, एक वुमेन कितने उसमें बनाएगी, सोचो आप। अगर मान लो एक वुमेन कर रही है 1/x, तो 4 वुमेन कैसे करेंगी, 4 × 1/x। आई कहानी समझ में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गिवन, इज ये बोला कि 2 women and 5 men, 2 women and 5 men दोनों मिलके 4 दिन तक काम करते हैं, ठीक है।
दोनों मिल के 4 दिन तक काम करते हैं। कितने हैं? दो वुमेन हैं एंड 5 मैन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो वुमेन, तो 2 अपॉन x प्लस 5 मैन, 5 अपॉन y, कितने दिन काम कर रहे हैं? ये दोनों मिलके कितने दिन में काम कर लेते हैं? 4 दिन में। रेसिप्रोकल हुआ तो यहाँ पे लिखना आपको 1 अपॉन 4। रिमेंबर, रेसिप्रोकल करना जरूरी है। 4 दिन में करें तो 1 दिन में काम कितना होगा? 1 अपॉन 4 होगा ना। तो दैट वी हैव टू डू रेसिप्रोकल, इक्वेशन 1। नाउ सेकेंड केस, अब कितनी है, कितनी वुमेन्स हैं? देखिए, 3 वुमेन मतलब 3 अपॉन x प्लस 6 मैन, 6 अपॉन y इक्वल्स टू, ये दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 1 अपॉन 3 डेज में। निकालिए, सॉल्व करना सिखाया, कौन सी मेथड से करोगे सॉल्व? मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे इक्वेशंस बनाना है बस, सो उस पर फोकस करो, क्योंकि जब तक आप इक्वेशंस बनाना नहीं सीखोगे तो बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएंगे। करिए सॉल्व इसको फटाफट, करिए फटाफट। कितने आदमी हैं? 3 और 6 ही इसमें, तो 2 आदमी 5 सही तो है, वो 4 दिन है, 4 दिन है लिखा है ना इसमें। 2 आदमी हैं, 5 औरत हैं, दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 4 दिन में। 3 आदमी हैं, 3 औरत हैं, 6 आदमी हैं, दोनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं? 3 दिन में। और तो 1 दिन में कितना काम होगा? 1 अपॉन 3। करिए सॉल्व, तीन जगह बताता हूँ मैं, तुम लोग उस पर ध्यान दो, चलो कोशिश करो। करिए फटाफट, करिए सॉल्व, देखते किसका फर्स्ट आता है। इक्वेशंस का फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रिड्यूसिंग से करिए और बताइए कितना है। अरे कोई, तुम लोग इधर फोकस करो, ये पता है कौन है? ये हमारे ही पृथ्वीजय है, पृथ्वीजय। करिए करिए फटाफट, बताओ कितना आ रहा बेटा, जल्दी जल्दी। कुंजल का आ गया है x 18 y 36। ओके ओके, चेक करिए, वेरीफाई हो रहा है कुंजल? x 18 करो, x 18, 2 अपॉन 18, y 36, 5 अपॉन 36। सो एलसीएम कितना आ रहा अपने पास? एलसीएम आ रहा 36, 2 से इनटू कर दो तो इट्स 2 प्लस 2 4, 9 अपॉन 36। देखो 1 अपॉन 4 आ गया, वेरी गुड बेटा, सही है, दैट्स गुड, ग्रेट, सही है। वेट, हितांशी, हाउ यू गॉट दिस? हितांशी, मेक योर सेल्फ करेक्ट, तांशी थोड़ा सही करो अपने आप को, ठीक है? एक्स 18 आ रहा, y 36, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरी गुड, वंशिका राव सही है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है बिल्कुल।
शो के। ऑल आर करेक्ट, सही है सबका। एक्स 18 आ रहा है और वाई 36 आ रहा है। करूँ अब, वेरी गुड, सही है, सही है, वेरी गुड, सही है। कर दूँ? देखो एक बार फिर समझो, आप कोई सपोज टू बी, अपन को नहीं पता कितना काम हुआ है, अपन ने उसको मान लिया एक्स, तो एक दिन में कितना होगा, वन अपॉन एक्स। तो मैंने कितना वर्क किया, वुमेन ने एक्स, तो एक दिन में कितना किया, वन अपॉन एक्स। मैंने कितना किया है y, तो एक दिन में कितना हो गया, वन अपॉन y। तो दोनों मिलके किसी काम को चार दिन में फिनिश करते हैं। आपने वन डे निकाला तो टोटल काम चार दिन में हुआ, तो वन डे क्या होगा, वन अपॉन फोर, तो दैट्स व्हाई वन अपॉन फोर। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि वाई वी हैव रेसिप्रोकल इट, किसका रेसिप्रोकल क्यों किया गया है, क्यों, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको कि इसका रेसिप्रोकल क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक दिन का कैलकुलेट किया। और आप ध्यान रखना, चाहे मैथ्स हो चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ें एक वन डे पे कैलकुलेट होती है। और डिवाइड क्यों किया है भाई, 20 एप्पल की कॉस्ट 100 रुपये थी, तो एक की कितनी होगी, 100/20 डिवाइड किया था ना आपने। तो इनडायरेक्टली हम रूल्स को फॉलो करते हैं, बट बात आती है ना प्रैक्टिकल अप्रोच में, तो हम वहाँ पे थोड़े से इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं और चीज़ों को ढंग से सॉल्व नहीं करते, और वहाँ पे हमें पेनल्टी पड़नी पड़ जाती है, किसकी, मार्क्स की। सो कॉन्सेप्ट अगर आपके बहुत अच्छे हैं तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं होंगी बेटा, डोंट वरी अबाउट दैट, जस्ट फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। पूरी बुक में सिर्फ इकलौता क्वेश्चन है ये, चलो एक आप लिखो, पहले लिखो, टू मैन एंड थ्री वुमेन टूगेदर, टू मैन एंड थ्री वुमेन टूगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, और कैन डू अ वर्क, टू मैन एंड थ्री वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। इफ 4 men एंड 1 woman आर देयर, इफ 4 men एंड 1 woman आर देयर, देन दे कैन कंप्लीट वर्क इन 4 days, देन दे कैन कंप्लीट वर्क इन 4 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man एंड 1 woman अलोन टू डू द वर्क। बट एक्स और वाई निकालना है, इतनी कहानी मत लिखो, कंटेंट करो सीधा, रामायण नहीं लिखनी, करो सॉल्व, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो और फटाक से आंसर बताओ। वेरी गुड बेटा तोमर साहब, वेरी गुड, सर प्लीज रिपीट, वेट है, तर देना कॉपी देना बेटा, वेट वेट, टू मैन एंड थ्री वुमेन कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। दो आदमी हैं और 3 औरत हैं, 2 men and 3 women can do a work in 6 days, okay? And 4 men and 1 woman, 4 days में, ठीक है? 4 men and 1 woman can do a piece of work in 4 days, ठीक है? Equations तो बनी गई होंगी आपकी, पहले तो कहानी लिख लोगे, ये तो same है, ठीक है? Same है ये कहानी तो। फटाफट
आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे बताइए भैया। आ गए आंसर, हाँ शेयर करो नितिन, वेरी गुड, बताओ कितना आपका। कितना है हो गया? आंसर बताओ फटाफट, प्लीज शेयर योर आंसर्स, बहुत सिंपल फंडा है। चैप्टर फोर में अपलोड कर चुका हूं, जिसने चैप्टर फोर की वीडियो नहीं देखी है देन यू मस्ट वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में सिर्फ बेसिक्स है, इफ यू गेट टू नो, आपने अगर वो देख रखा होगा या देख लिया है तो एक बार फिर देख लेना उस पार्ट को, देख लेना सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, x equals to 1, y equals to 4 by 3, very good, x equals to 1 आया और y equals to 4 by 3, सही है? x 7 आ रहा है, time to crazy, time to crazy। आया किसी का आंसर? इक्वेशंस क्या बनी, कितने मेल थे, कितने वुमेन्स थी, पहले केस में कितनी वुमेन्स थी, एक्स वन दो तो टू अपॉन, अच्छा मेन थे ना, तो टू अपॉन एक्स प्लस कितने वुमेन थी, थ्री अपॉन वाई, कितने डेज में कंप्लीट किया था, सिक्स, तो वन अपॉन सिक्स। फिर दूसरे में क्या था केस में, चार मेन वन वुमेन, इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में कंप्लीट किया, चार दिन में, ये तो रही इक्वेशन, सॉल्व करिए इसको, वेरी सिंपल, रिड्यूसिंग मेथड से करिए, है ना? दैट्स व्हाई मैंने उस टाइम नहीं सिखाया था, क्योंकि यहाँ पे रिड्यूसिंग मेथड लगती है, है ना? अगर मैं सिर्फ इक्वेशंस का फॉर्मेशन सिखा देता फिर सॉल्व करना नहीं आता तो क्या मतलब था। भैया भैया तो आंसर सही है, भैया बताया तो आंसर सही है, इट्स ओके, फिर सही है, ठीक है, यस, एक्स इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू फोर बाय थ्री, प्लीज चेक योर आंसर्स, यही आया है, दर्शना का भी आ गया, वेरी गुड। चलिए चलिए फिर एक क्वेश्चन लिखिए आप, एज वाला भी लिखिए। टू इयर्स अगो The age of Ram is twice the age of Shyam. 2 years ago की बात कर रहा हूं मैं ना, so remember one thing. 2 years ago, the age of Ram is twice the age of Shyam. Full stop लगा दिया. And five years later. five years later the sum of their ages is 30, find their present age. तो देखो राम की कितनी मान लोगे x, शाम की हो गई y, तो 2 साल पहले तो राम की एज कितनी हो जाएगी x माइनस, शाम की कितनी हो जाएगी y माइनस टू,
राम शाम का डबल है, बन गई इक्वेशन, समझ में आ गया, क्लिक हो गया, बनाओ पहले इक्वेशंस बनाओ सबसे पहले तो। सर रिपीट दिस क्वेश्चंस प्लीज, देखो लिखो, टू इयर्स अगो द रेशियो ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ श्याम, टू इयर्स अगो द राम इज ट्वाइस द एज ऑफ राम इज ट्वाइस द एज ऑफ श्याम एंड 5 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस एंड 5 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस इज 30, ठीक है, तो लेट द एज ऑफ राम बी एक्स एंड श्याम बी वाई। तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, समझो, जिसने बनाया अच्छी बात, जिसने नहीं बनाया कोई बात नहीं, हम देखेंगे उसको समझेंगे। देखिए लेट एज ऑफ राम बी एक्स एंड श्याम बी वाई, राम एक्स है श्याम वाई है। अच्छा टू इयर्स अगो, एज ऑफ राम कितनी हो जाएगी x माइनस टू एंड एज ऑफ श्याम y माइनस टू। अच्छा यहां पे कंफ्यूजन था है ना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, एक चीज मुझसे साफ साफ सुनना, बहुत अच्छी चीज है बेटा ये, जब कभी भी आप इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हो तो आपने ये माना था, सुनना, अब कंडीशन ये बन गई तो अब ये यूज होगा, अगर कोई नई कंडीशन बनती है अब तो वो यूज होगी। तो उसने क्या बोला है, अब तुम्हें ये यूज नहीं करना, अब तुम्हें ये यूज करना है। उसने क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 साल पहले जो राम है श्याम का डबल हो जाता है, श्याम का डबल हो जाता है, इक्वेशन वन। नाउ सेकेंड इक्वेशन देखो, 5 years लेटर 5 साल बाद एज ऑफ राम कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी राम की एज, एक्स प्लस फाइव। अच्छा एज ऑफ शाम कितनी हो जाएगी, वाई प्लस फाइव। तो वो क्या बोल रहा है, कल जो गलती की थी कुंजल आपने भी ये गलती की थी बेटा, उसने बोला है कि 5 साल बाद दोनों की एजेस का सम, अभी एज ये थी तो दोनों की एजेस का सम कितना हो जाता, 30। सॉल्व दिस, हो जाएगी सॉल्व, कर लोगे, समझ में आया क्यों कब कैसे, निकालो एज निकालो फटाफट। कोई ऐसा तो नहीं जिसकी दूसरी बैच है कॉरेस्पॉन्डिंग्स है तो टेक्स्ट कर दो, सो दैट लीव करूं फिर मैं। एक्स टेन आया है, वाई सिक्स आया है, एक्स टेन वाई सिक्स वेरीफाई करिए, एक्स टेन वाई सिक्स तो 16 16 16, इट इज नॉट गेटिंग वेरीफाइड बेटा, ये वेरीफाई नहीं हो रहा है। लाइक कर दो, लाइक कर दो, नहीं है तो कोई, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो यार, कंजूसी मत करो, फूट है तो टेप ना है, प्रॉपर्टी थोड़ी मांग ली भाई। कोई ऐसा तो नहीं जिसकी कोई कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास है, क्योंकि ये खत्म हो गया चैप्टर अब, और आपका होमवर्क यही है कि चैप्टर नंबर 4 की वीडियोज देख लेना आप लोग, सो दैट की क्लास में जब बैठोगे इंट्रोडक्शन में, उससे पहले कल सारे थ्योरीज पढ़ लेना, सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वाई सिक्स और एक्स टेन, ठीक है। दिव्यांशी आई थिंक चेक करो, वाई सिक्स एंड टेन, बट ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, सम 30 है ना, एक्स 14 आ रहा है, एक्स प्लस वाई 10, इट्स 26। Why it is not getting verified? Verify होना चाहिए ना?
वेरीफाई हो ही नहीं रहा ये वाला पार्ट भैया। 19 वॉच कर रहे हैं पर लाइक 29 हैं, कैसे? हु इज दिस? एक बार बताऊं? देखो मैं बताता हूँ इसका फंडा क्या होता है। अब 30 हो गए, मैं बताता हूँ तुम्हें एक्चुअल में एल्गोरिदम कैसा होता है। अभी क्या हुआ होगा, आ रहे हैं और जैसे ही खत्म करेंगे तो आप देखना व्यूज 20, अभी जैसे 24 है, 22 हो गए, तो व्यूज 30 नहीं होंगे। आप जैसे ही खत्म करोगे तो कम से कम व्यूज आपके पहुंच जाएंगे 100+ या 90-80 करीब। कैसे? क्योंकि जब बाबर आप लिंक को क्लिक करते हैं तो वो उसको काउंट करता है। जैसे मैं अभी देखा था बाबर कनेक्ट हुआ था, नेटवर्क गया था, एरर हुआ था, तो वो वापस कनेक्ट होगा तो वापस आपको मल्टीप्लाई कर देगा यूट्यूब खुद। ये यूट्यूब का एल्गोरिदम है ना। बट एक्चुअल में अभी ऑन एवरेज 20 बच्चे देख रहे हैं, अब 20-24-25 बच्चे ही अपने पास। Y6 आ रहा है, X14 आ रहा है, अब से ही आएगा। बिग फैंस। कैसे हो अक्षत? हाउ आर यू? बढ़िया बच्चा, कैसा चल रहा है सब? X14 Y6। भैया ब्लर, अब तो ठीक आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आई? आई एम ऑल गुड भैया, व्हाट अबाउट यू? गोइंग वेल? देखो कट रही है जिंदगी, देख रहे हैं बच्चा, वैसे ही पढ़ाना पड़ेगा, कोरोना का सारे क्या करें। एक बार बताऊँ आपको, मैं जितने लोग देख रहे हो आप लोग, आप लोग 10th के बच्चे हो बेटा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक हम लोग सिंसर नहीं होंगे चीज़ों को लेके तो तब तक दिक्कत देगा। एंड बट फ्रेंकली स्पीकिंग इस साल स्कूल्स नहीं खुलने वाले, लिख लो आप, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। इस साल स्कूल्स नहीं खुलने वाले हैं, सो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। X6 Y14 बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो रहा है, ऐसा इट इज गेटिंग वेरीफाइड, है ना? देखो 14+6 20, 20 and 10 30, है ना? बहुत सिंपल सी चीज, मैंने सारी चीज समझा रखी है। तो देखो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस रेदर देन दी ऑनलाइन क्लासेस। तो यार सीखो, इसके साथ चलना सीखो, जीवन है ये, जो कोरोना का टाइम है इसमें अपन ने बहुत कुछ सीख लिया है। अब इसको आप सीखो, समझो कि कैसे हो रहा है, कैसे हमें करना है, ठीक बेटा? तो थोड़ा कॉपरेट करो आप लोग भी, ताकि अच्छे से रहे। और बाद में जब अभी हम देखेंगे तो जो नेक्स्ट बैच होगी दैट विल बी आर, जो हमारी बैच चलेगी वो चलेगी आपकी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। धीरे धीरे चैप्टर्स कवर हो रहे हैं और धीरे धीरे आप देखिएगा स्कूल की ओपनिंग आगे खसकती जाएगी, और कब हम 2021 में एंटर हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो बी सिंसियर, क्योंकि नुकसान आपका है, किसी का नुकसान नहीं इसमें, सुन लेना, ना किसी गवर्नमेंट का नुकसान। अगर सिलेबस ख़त्म कर देते हैं भैया, मैं साइंस क्लास, ओके, कब है तोमर साहब, कब है क्लास आपकी? 5:30 पे, सॉरी 6:30 पे है। यू कैन लीव, यू कैन लीव, कोई इशू नहीं, मैं करवाऊंगा, नहीं कुछ सब ठीक है। तो समझ में आया? अच्छे तो होमवर्क समझ में आया? पहले होमवर्क सुन लो, फिर करते हैं अपन होमवर्क, क्योंकि मेरी भी क्लास का टाइम हो गया है साइंस का। तो होमवर्क क्या है? चैप्टर नंबर 4 आपको वीडियो देखनी है, फर्स्ट वाली, जिसमें सारे बेसिक्स हैं, पूरे चैप्टर के बेसिक्स हैं, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी चीज, चैप्टर 4 ये समझ में आ गया। दूसरी चीज आपको एक काम और करना है, इस चैप्टर के अगर वीडियोस नहीं देखी तो सारी वीडियोस को देख लेना वापस से, प्लस वर्ड प्रॉब्लम और सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेना। कल अपन लेंगे इसका ओरल वाइवा, कल इसका क्या लेंगे अपन? वाइवा लेंगे, हाँ। और वो एकलव्य वाली बैच वाली बात बताई थी ना मैंने तुम्हें, उसका मैं शेड्यूल आज सेंड कर दूंगा आप सबको, तो उसको शेयर करना, ठीक है? सो बाय, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और साइंस की बैच आपको पता ही है, लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ, सो ज्वाइन।